हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज तीसरे दिन लगातार मार्केट में रेड सिग्नल देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं पिछले 3 दिनों में। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं NTPC, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, और वहीं बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा करेक्शन भी आप लोगों को देखने को मिला है। चाहे आप HDFC बैंक ले लीजिए, कोटक बैंक ले लीजिए, HDFC ले लीजिए। यहाँ पे बात होने वाली है एक AMC सेक्टर के स्टॉक के बारे में, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। उससे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी लगातार कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा स्टॉक्स बताया जाए और मार्केट की हर न्यूज़ को पहुँचाया जाए आप के तरफ, और आप लोग ताकि आसानी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत ही बढ़िया वेल्थ बना सकें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप लोग HDFC AMC को देखेंगे तो 5-6% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखता हुआ नज़र आ रहा था। 3000 के लेवल बहुत ही मुश्किल में इस स्टॉक ने पार करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वापस से ये स्टॉक 2900 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग बात करेंगे 1 साल के रिटर्न की, तो मात्र 27-28% की तेज़ी आपको पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने करके दिखाई है। वहीं आप लोग देखेंगे बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक है जिन्होंने आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना तक कर दिया है, लेकिन ये स्टॉक में ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। ऐसा कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है कि इस कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर रही है। प्रॉफिट लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़िया आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इसके स्टॉक में आपको उस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें आज के दिन की गिरावट की, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ जो इनके फॉरेन प्रमोटर हैं, उन्होंने 1.06 करोड़ शेयर्स सेल किए हैं ओपन मार्केट में, जिसके कारण से आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस शेयर में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आप लोग समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर इस कंपनी के अंदर। देख सकते हैं जून 2021 में 73.88% का स्टेक अभी भी प्रमोटर होल्ड करते हैं। बहुत ही कम स्टेक आप लोग को देखने को मिलेगा कि FIIs के पास है और DIIs के पास है। 2018 में सितंबर 2018 में 3.75% का स्टेक होल्ड करते थे केवल FIIs, और वहीं पे अब देख सकते हैं 9.41% का स्टेक होल्ड करते हैं। DIIs की बात करें तो 1.19% के आसपास का स्टेक होल्ड करते थे, जो कि अब बढ़ा के 6.57 कर दिया है मात्र 2 सालों के अंदर। तो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं FIIs और DIIs दोनों। अभी जो स्टेक सेल किया गया है वो भी इन्हीं दोनों में से कोई खरीदते हुए दिखाई देंगे, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। आप अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी में कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आती हुई नहीं दिखाई देगी। डेप्थ कंपनी पे कोई भी नहीं है, 0 रुपये डेप्थ आपको देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी के अगर आप लोग रिजर्व चेक करेंगे तो 4,670 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश अवेलेबल है, तो फंड की कोई भी दिक्कत नहीं है इस कंपनी के पास। देख सकते हैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 23% के CAGR से पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी की ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम लोग प्रॉफिट देखें कंपनी का कि किस तरीके से जनरेट कर रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के अंदर, तो आप लोग देखेंगे मार्च 2016 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 478 करोड़ का हुआ करता था। नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट बढ़ा और 550 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। उसके बाद 2018 की बात करें तो नेक्स्ट ईयर दोबारा कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया और 711 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 2019 के भी यही हाल दिखाया कंपनी ने, लगातार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया और 931 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। और हर साल आप लोग देखेंगे कंपनी प्रीवियस ईयर से काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो कंपनी में जिसका भी पैसा लगा हुआ है, जिसके पास भी स्टॉक है, उसको घबराने की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरा कहना यह है कि AMC सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी है। अगर आप लोग HDFC AMC को इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक से कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर प्रॉफिट 14% के आसपास का, वहीं काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां नेगेटिव प्रॉफिट में चली गई हैं। अगर आप लोग देखेंगे सेल्स, तो कंपनी की सेल्स भी 23% के आसपास की देखने को मिली। वहीं पे आप लोग देखेंगे बजाज फाइनेंस केवल 2% की सेल्स दिखा पाया, सेल्स ग्रोथ, फिर बजाज फिनसर्व नेगेटिव सेल्स ग्रोथ। वहीं पे इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ भी आपको करके दिखाई है। अगर आप लोग बात करें ROCE की, तो ROCE कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी आप लोग देखेंगे फाइनेंस स्टॉक की 39.93% की ROCE नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। और कंपनी में डेप्थ भी 0 है, वहीं पे जो बाकियां कंपनी है अदर्स, उनके पास काफ़ी ज़्यादा डेप्थ बर्डन भी होता है।
देख सकते हैं कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिल सकती है ये। अगर आप लोग ने पेशेंस रखा, होल्ड करके रखा है इस स्टॉक को, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिखा सकती है। अगर हम लोग मैक्स रिटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 2018 से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट है और मात्र 66% की ये रिटर्न इस स्टॉक ने अभी तक डिलीवर किए हैं। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। अगर आप लोग इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ये 3,700 के लेवल को भी पार करके दिखा चुका है, तो वहां से भी अभी ये काफी ज्यादा नीचे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग डेफिनेटली इस गिरावट में फायदा उठा के इस स्टॉक को ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बढ़िया मुनाफा ये कंपनी कमा के दिखा सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग ने इस स्टॉक को पेशेंसफुली होल्ड करके रखा तो आप लोग देख सकते हैं कि लंबी तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। तो आपको जरूर इस स्टॉक को रखना है अपने पोर्टफोलियो के लिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एनालिस्ट से एक बार जरूर राय ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।